सो जैन एवरी वन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी से बड़े आप इतना डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का जो आपका इंडियन एयरफोर्स आपका सेपरेट हो जाता है सर, इंडियन नेवी SSR का जो एग्ज़ाम होता है उसके एग्ज़ाम डेट को लेकर के कैंडिडेट का काफ़ी सारे डाउट्स थे। इंडियन नेवी SSR और इंडियन नेवी MR, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल ही कर दिया है तो डेफिनेटली मन ला के थोड़े दिन है पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट है, लास्ट के टाइम जो कट ऑफ किया था, इनिशियल कट ऑफ 50 नंबर, उसके सारे मत बैठिएगा कि सर 50 नंबर कट ऑफ किया था। रीज़न यू नो, इनिशियल कट ऑफ 50 नंबर था फॉर फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट 22 और 25 पर स्टेट था। मीन्स 25 नंबर पर पहला पेपर निकल गया था, क्योंकि लास्ट टाइम सर दो इनटेक का वैकेंसी था। दूसरे नंबर फॉर्म जो थे 2.5 लाख फिलअप थे, उसके बाद इस बार एक इनटेक का वैकेंसी है, फॉर्म के नंबर 4 लाख। आई होप आप इतने से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर मैं बाद में समझाता हूँ, ओके। एनी वे, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं वापस और डिस्कस करते हैं। लॉट्स ऑफ कैंडिडेट हैव डाउट लाइक भैया इंडियन नेवी का एग्जाम कब तक होगा, इंडियन नेवी SSR का एग्जाम कब होगा। सिंपल से टर्म मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इंडियन नेवी SSR का एग्जाम जो आपका ये बैच है ऑलरेडी अभी जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसका फॉर्म आप सभी ने फिलअप किया 02/2024 का, इसका जो ज्वाइनिंग होगा वो सर होगा नवंबर पे, मतलब अक्टूबर जो ज्वाइनिंग का अक्टूबर इन हो सकता है, या फिर फर्स्ट वीक पे आपका नवंबर पे हो सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है 15th of November से स्टार्ट हो जाएगा लगभग, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और लास्ट बैच है उसका ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो 01/2024 का बैच था। तो 4 महीने लोगों का ट्रेनिंग होगा, उसका जैसे चिल्का खाली होता है तो नेक्स्ट बैच के कैंडिडेट मीन्स आप सभी जाने वाले हो, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब ओवरऑल आ जाते हैं भैया, कितना टाइम मिलेगा हमें एग्ज़ाम के लिए। तो रिसेंट में आज करेक्शन का लास्ट डेट है, करेक्शन हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद आ जाती है एग्ज़ाम डेट की बात और एडमिट कार्ड की बात। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता चला था 6 से 7 जुलाई, मतलब सेकेंड वीक ऑफ जुलाई पता लगा था, बट तब वो था जब 27 मई लास्ट डेट थी, ठीक है, 27 मई लास्ट डेट थी। और अभी क्या था, डेट को 5 जून तक एक्सटेंड किया गया था। तो लगभग अगर हम मानना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो एयरफोर्स पहला नंबर तो एयरफोर्स का फेज सेकंड जो 22 से 25 जुलाई तक आपका स्टार्ट हो जाएगा, बट उससे पहले आपको इंडियन नेवी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। मतलब एयरफोर्स नेवी सर अलग अलग है, लेकिन आपके से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एयरफोर्स का भी फेज 2 देंगे और नेवी का भी एग्ज़ाम देंगे। तो मेरा बस आप सभी से एक ही सजेशन, एक ही कहना है कि आप 20 तारीख, मतलब कि मैक्सिमम 10 से 15 के बीच में आप सभी का एग्ज़ाम इंडियन नेवी का कंडक्ट कराया जाएगा, और लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पे आप सभी को आपके एडमिट कार्ड देखना गवर्नमेंट चाहेंगे। इससे ज़्यादा डिले कुछ भी नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो कि पेपर अगस्त में होगा या फिर सितंबर में होगा, तो सिर्फ कहने की बातें, आप कहते रहिएगा, कुछ फ़र्क उससे पड़ने वाला नहीं है। लगभग 10 और 15 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पे आपको आपका एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी देखने को मिल जाएगा, और एडमिट कार्ड जो होंगे सर 48 आवर को आप अपने डाउनलोड कर पाएंगे। तो यही था जो एक अपडेट मुझे आप सभी के साथ में शेयर करना था। जो भी कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जानना चाहते थे कि भैया कब तक हो सकता है, तो मैंने कहा आप सभी के साथ में शेयर करना मस्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम डेट एंड एग्जाम सिटी का बता दिया, नवंबर ट्रेनिंग का बता दिया। अब इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, अगर आप जैसे ये फॉर्म फिलअप करते हैं, पेपर देते हैं 15 जुलाई को भी, क्योंकि फॉर्म फिलअप हुआ है ना, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और एंड ऑफ जून तक आपके एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टास्क होगा एग्जाम होगा, उसके बाद मैं कहता हूँ मिड अगस्त तक लगभग 1 महीने हमेशा नेवी ले ही लेता है रिजल्ट के लिए। तो लगभग 25 से 30 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मान सकते हैं अगस्त 15 तक रिजल्ट आएगा। 15 दिन नेवी फेज 2 के लिए आपको दे देगा और तैयारी के लिए, तो 15 दिन September 1st week पे आपका फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा। जैसे ही फिजिकल कंडक्ट होता है सर, आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम में आपको कम से कम 15 से 20 दिन री मेडिकल एग्जाम के लिए मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ फेज 2 के बाद आपका री मेडिकल एग्जाम के लिए अगर 20 से 21 दिन मिलते हैं, तो अक्टूबर आ जाएगा ऑलरेडी अक्टूबर आ जाएगा, तो मेरिट के लिए 1 महीने का समय एंड ऑफ अक्टूबर तक आपको आपके मेरिट देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होने वाला है। एनी वे, और कोई भी अपडेट आता है, मुझे और भी एक अपडेट लगा था, शायद लीव आपका एक्सटेंड होने वाला है जो 30 days to 45 days हो सकता है, दूसरा 25 to 50% कैंडिडेट परमानेंट हो सकते हैं। ये सारे का सारे अपडेट ऑफिशियल कन्फर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ऑल इन एजुकेशन पर जुड़ सकते हैं। एक बात और बता देते हैं आपको, भाई तो यार गर्मी है, सॉरी इसके लिए। हाँ, एक बात और बता देते हैं आप सभी को कि नेवी जो SSR का फॉर्म फिलअप होता है, उसमें होता क्या है कि जो इसके लिए मैंने एक बैच मैं रनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको वहाँ पे GK GS रीजनिंग और साथ में कंप्लीट इंग्लिश,
साथ में डेली समय तो साइंस का भी आपको 30 to 35 का एमसीक्यू का टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं विद बोथ लैंग्वेज और मैथ्स का भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स आपको स्टेज फर्स्ट स्टेज टू के लिए कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपने भी अभी तक अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो जुड़ सकते हो। साथ में मैं 20 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फीस उसकी जितने 25 मॉक टेस्ट ही होते हैं, 20 मॉक टेस्ट आप कहीं से बाई कर दो उतनी उसकी फीस मैंने रखी है। SSR का कोई कैंडिडेट करता है तो 349 रुपीज़ फीस है, लेकिन आपको कंप्लीट इंग्लिश मिल जाएगी। मतलब इंग्लिश जो जो पेपर में आती है अगर आप अच्छे से सिस्टमेटिक वे से कर लेते हैं तो 18 to 20 मार्क्स आपके इजिली आ जाएंगे और पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जो मैं कुछ एडिशनल बोला है कि हाँ ये चीज़ कर लीजिए सर या ये प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आप 20 क्रॉस कर जाएंगे। वहीं पर जीके पे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट अच्छा है। वहाँ पे सारा का सारा टॉपिक अच्छे से हम वहाँ पे टाइम वाइज सारी की सारी चीज़ें करवा रहे हैं। रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट भी ऑफिशियल करवा दिए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी रनिंग चल रही हैं। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली बता दूंगा। या फिर मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम का यूजर नेम दे रहा हूँ, आप यहाँ पे भी मुझे मैसेज कर करके पूछ सकते हैं भैया क्या कैसे क्या चीज़ें होनी है, मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। टिल देन यार ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाय बाय।